अरे कुट्टी, ये देख मेरे पास क्या है। हाय फ्रेंड्स। हाय। आ गया परी का चमचा। अरे गुड्डी, तूने होमवर्क किया क्या? छोड़, तू तो कभी करती नहीं है। हाय फ्रेंड्स। हेलो। हाय परी। ये देखो मेरे पास क्या है। क्या? यूनिकॉर्न वाली बैग। अरे प्रीति, ये यूनिकॉर्न वाली बैग नहीं है, ये परी लेसन की यूनिकॉर्न वाली बैग है। परी लेसन की? ये तो अभी आई हो, तुमने ले भी ली? हाँ, ये ना मेरे मम्मी ने मुझे खरीद के दी है। और इसके अंदर क्या है पता है तुम्हें? क्या क्या है? रुको दिखाती हूँ मैं तुम्हें। इसके अंदर है यूनिकॉर्न वाली डायरी। हाँ परी, ये तो बहुत अच्छी है, है ना? और देखो इसके अंदर और भी है, यूनिकॉर्न वाली कंपास बुक्स और पेंसिल सेट और यूनिकॉर्न वाला मल्टी कलर का पेन और किचन यूनिकॉर्न का। मुझे तो यूनिकॉर्न बहुत पसंद है। मुझे वो बहुत पसंद है। परी, ये बैग मुझे भी लेनी है। अरे तुम्हें लेनी है ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से जाके परचेज करो। अच्छा हाँ, है ना? परी अभी ये बैग लेने में थोड़ा टाइम है, तो ये डायरी मैं यूज करूँ क्या? नहीं, मेरे मम्मी ने ना ये मुझे बहुत प्यार से गिफ्ट किया, मैं ये किसी को भी नहीं दूंगी। वैसे भी ये बैग इतनी अच्छी नहीं है, मुझे नहीं अच्छी लगी ये बैग। मुझे भी नहीं अच्छी लगी। हाँ वही। अरे नहीं परी, ऐसी बैग तो मैंने पूरे स्कूल में किसी के पास नहीं देखी है, बहुत अच्छी बैग है, है ना? हाँ। परी का चमचा। चलो परी, मुझे पानी भरना है, मैं पानी भर के आता हूँ। ओके। मुझे भी हाथ धोने, मैं भी हाथ धोकर आती हूँ। हाँ परी, चलो हम भी हाथ धोने चलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो ठीक है, चलो चलो। परी कितना भाव खा रही है ना उसके यूनिकॉर्न के बैग पर। हाँ, और ये ऑर्डिनरी बैग नहीं है गुड्डी, ये तो परीज लाइफस्टाइल की एक्सक्लूसिव यूनिकॉर्न वाली बैग है। हाँ ना, मुझे मेरी मम्मी ने बोला है कि मैं स्कूल में फर्स्ट आऊंगी ना तो मुझे भी परीज लाइफस्टाइल की बैग देगी। अरे बेचारी गुड्डी, तुझे तो कभी बैग नहीं मिलेगी फिर। क्यों ऐसा बोल रही है प्रीति? एक काम करते, ये परी को ना थोड़ा सा मजा चखाते हैं हम। क्या करते, इसके बैग ना हम छुपा देते। इसका मतलब चुराते? अरे गुट्टी, तुझे बैग मिल नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं कि हम बैग चुराएंगे, इसके बैग हम छुपाएंगे और फिर हम परी का मजा देखेंगे। उड़ रही थी ना ये। हाँ प्रीति तो सही बोल रही है। चल चल, वो आने से पहले इसे हम छुपा लेंगे। कहाँ छुपाएंगे? तू ही सोच अभी। चल मैं जगह पता, आ जा। कहाँ छुपाएंगे? अरे गुड्डी, बैग तो मुझे दिख ही नहीं रही है। अच्छा हुआ छुपा ली। निकल बैग। ये देख, ये टीचर्स का कबर्ड है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हाथ ही नहीं लगाते, इसके अंदर छुपाते हैं, ठीक है? और जैसे ही स्कूल खत्म हो जाएगा हम उसे दे देंगे। ओके चल 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 चल। ये देख मेरे पास है परीज लाइफस्टाइल का हीरो कलेक्शन वाला टिफिन। मेरे पास भी है परीज लाइफस्टाइल का टिफिन। ओह, रोबो कलेक्शन, वाह। वैसे टिफिन में क्या रहा है तुमने? मुझे मेरे मम्मी ने बहुत टेस्टी आलू की सब्जी दी है। क्या हुआ, तू रोज कैसे आलू की सब्जी लेके आती है? अरे मुझे मेरी मम्मी बोलती है कि तुम्हारे दिमाग में आलू भरा हुआ है, इसलिए आलू की सब्जी देती है। हाँ वैसे वो भी सही बोलती है। अरे तुमने टिफिन खाना शुरू कर दिया? हाँ वैसे हमने वेट किया तुम्हारा, तुम नहीं आई तो। अच्छा, अभी अच्छा। हम लोग भी जस्ट अभी आए हैं। अच्छा मेरी बैग में टिफिन है ना? हाँ। वैसे मेरी बैग कहाँ पर है? मेरी बैग कहाँ पर चली गई? पता नहीं, तुमने ही रखी ना। मैंने तो यहाँ पर रखा था, पीछे के बेंच पर देखती हूँ। हाँ देखो, वो शायद किसी ने रखी होगी वहाँ पे। हाँ यहाँ पर तो नहीं है,
गुड्डी प्रीति तुमने मेरी बैग देखी क्या? नहीं नहीं परी, हम क्यों तुम्हारी बैग देखेंगे, हम तो अभी आए हैं हाथ धो के। एक काम करो ना, देखो ना क्लास के बाहर सारे स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, तो उनसे पूछो शायद किसी ने छुपाई हो, तो किसी ने मस्ती भी की होगी। हाँ जाके पूछ के आओ परी तुम। ठीक है मैं देख कर आती हूँ। जाओ जाओ जाओ। मजा आएगा। आगे 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 आगे। क्या हुआ? अरे मिल गई बैग? नहीं मिली, मैंने सारे स्टूडेंट से पूछा किसी ने भी नहीं देखी। ओह नो। तुम्हें पता है मेरे मम्मी ने कितने प्यार से दी थी वो बैग, और मैंने तो एक दिन में ही घुमा दी। और मम्मी तो मुझे बहुत डांटेगी, अब मैं क्या करूं? हे भगवान। परी मिल जाएगी, ढूंढो ये। अरे कैसे मिल जाएगी, मैंने पूरे स्कूल में ढूंढ लिया और सबसे पूछा मैंने, क्या करूं मैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। परी रोना बंद करो। अरे परी मिल जाएगी मिल जाएगी। अरे वो रो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तो ठीक है ना, बैग गुम होने पे रोती है, बाद में दे देगी। अरे वो टीचर को नाम बता देगी। अरे हाँ, अगर टीचर को पता चल गया कि हमने उसकी बैग छुपाई है तो बहुत मार पड़ेगी। तू तो रोज मार खाती है। अच्छा एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको बातों में उलझा लेते हैं और फिर उसकी बैग यहाँ पे रख देंगे। हाँ सही बोल रही है, है ना। हाँ चलो। परी एक काम करते हैं, हम ना मिलके तुम्हारी बैग ढूंढते हैं, ठीक है? तुम मेरी हेल्प करोगे? हाँ परी, फ्रेंड्स किसके लिए होते हैं। एक काम करो, तुम ना सेकंड फ्लोर पे जाके ढूंढना, हम फर्स्ट फ्लोर पे जाके ढूंढते हैं। पर वहाँ पर तो मैंने देखा है। फिर से देखो ना, अभी अभी जाके वो जो 7-8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है ना, उनसे भी पूछ लेना, ठीक है? ठीक है ठीक है, तुम सही बोल रही हो, तुम भी ढूंढना प्लीज। हाँ मैं, हम तो ढूंढेंगे। जाओ तुम जाओ जाओ। हाँ हाँ परी तो बहुत ज्यादा ही रोने लग गई। जल्दी से बैग निकालो। हाँ भाई गुड्डी जल्दी। अरे इसके अंदर तो बैग नहीं है। अरे ठीक से ढूंढ। अरे प्रीति सच में नहीं है बैग, हमने परी की बैग चुराई और हमसे किसी और ने चुराई। लगता है तुमने ही चुराई होगी प्रीति। गुड्डी तुम ना फर्स्ट रैंक नहीं ला सकती, तो तुमने बैग ही गायब कर दी। ताकि इल्जाम मेरे ऊपर आ जाए ना। तुम मुझे चोर बोल रही हो? हाँ तुमने ही बैग चुराई है। प्रीति तुम्हें क्या मैं चोर लगती हूँ? अरे मुझे तो तुम बेवकूफ गधी लगती हो। हाँ ये सही है, पर चोर मत बोलना। अरे गुड्डी तुम्हें समझ में आ रहा है क्या, किसी ने बैग चुरा ली और परी को क्या देंगे हम? पता नहीं क्या देंगे गुड्डी। हाँ? मुझे लगता है किसी ने ना हमसे मजाक किया है। एक काम करना, तुम ना लेफ्ट की तरफ ढूंढना, मैं राइट की तरफ ढूंढती हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है, चलो चलो। गुड्डी कहाँ चली गई? मुझे तो एक तो बैग नहीं मिल रही, ऊपर से गुड्डी भी नहीं मिल रही है। पता नहीं ये लोग ना क्या खा के आते। अब अच्छा लगा। गुड्डी तुम थे अंदर? हाँ वो बैग ढूंढने चली गई थी अंदर। हाँ वो आलू की सब्जी ज्यादा हो गई तो थोड़ा प्रेशर आ गया। गुड्डी तुम्हें तो ना आर्मी में भर्ती होना चाहिए। आर्मी में? हाँ वही सोच रही थी। वो क्या होगा ना, न्यूक्लियर बॉम्ब डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें उठा के फेंक देंगे। अरे इतना गंदा बास मर रहा है ना कि दुश्मन तो ऐसे ही मर जाएगा। बंद करो वो। वैसे बैग मिली? अरे वो परी वहां पे रो रही है और बोल रही है कि वो प्रिंसिपल के पास जाएगी। एक काम करते, मुझे लगता है स्कूल में तो बैग है नहीं, स्कूल के बाहर ढूंढते है ना। चलो फिर आप ही ढूंढने। चलो चलो चलो। आज यार किसी को चुना नहीं लगाया, चोरी का दिन आज बहुत बकवास का है। ये क्या बैग? कोई आने से पहले निकल लेता हूँ। बैग ढूंढते ढूंढते तो मैं थक गई। मैंने ढूंढती इसकी बैग। वैसे भी परी को थोड़ी पता है कि मैंने बैग छुपाई है।
अरे प्रीति, तूने परी की बैग देखी क्या? मैंने थोड़ी देखी उसकी बैग, वैसे भी मुझे उसकी बैग पसंद नहीं थी। मुझे नहीं पता उसकी बैग कहाँ पे। अरे वो परी प्रिंसिपल सर के ऑफिस में बैठी है। प्रिंसिपल सर के ऑफिस में क्या कर रही है वो? हाँ, उसने कंप्लेंट की कि उसकी बैग गुम हो गई है, वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं। हाँ क्या? लगता है आज चोर को बहुत पढ़ने वाली है। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, वॉशरूम। अरे यार गुड्डी, पार्किंग में भी देख लिया, कहीं पे बैग नहीं है। मुझे टेंशन आ रहा है। अरे वाह, मस्त बैग मिला है। अरे यार प्रीति, क्या वो देख, हमारी बैग। चोर 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 चोर। आपका है? तो क्या तुम्हारा है क्या? चोर चोर अंकल, चोरी करना बुरी बात है, आपको जेल हो सकती है। अरे पाप लगेगा आपको, पाप। हाँ पता है जेल में ना कितना मार मिलता है। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया। ऐसे ऐसे काम मत किया करो, ये बहुत गलत बात है। सॉरी सॉरी सॉरी, आगे से ऐसा गलती नहीं करूंगा। आप लोगों ने मेरी आंख खोल दी। ये लो, ये तुम वेरी गुड। मेरा बैग। कैसे पता चला? भाई मुझे नहीं पता। ये मेरे परी फ्रेंड परी का बैग है, इन दोनों ने चुराया है। जेल जाना पड़ेगा। हाँ पाप होता है। पूरा दिन खराब हो गया। पर प्रीति और गुड्डी, तुमने मेरे बैग क्यों चुराए? Oh, no. परी, बैग हमने चुराई नहीं थी, सिर्फ छुपाई थी। हाँ परी, हमने बैग छुपाने के बाद पता नहीं किसने बैग चुरा ली। वो बैग मैंने ले ली थी। तुमने बैग चुराई? हाँ, परी के चमचे। और मैंने सब बात परी को बता भी दी थी। परी तुम्हें पता था ये सब? हाँ मुझे पहले से ही ये सब पता था। और हम तो कामका पूरे स्कूल में तुम्हारे बैग ढूंढ रहे थे। और जब मैं वहाँ पे गया बैग लेने के लिए, तो कोई चोर लेके उसे भाग रहा था, और उसके पीछे दो और चोर लेके भाग रहे थे। दो और चोर कौन थे? अरे तुम और तुम। चोर? परी हम चोर नहीं है। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी परी। ठीक है प्रीति और गुड्डी, फिर से ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना। प्लीज टीचर को कंप्लेंट मत करना। नहीं वो तो बस मजाक था। तो फ्रेंड्स, आप बोल रहे हो कि ये न्यू स्टूडेंट कौन है? ये है द गेम ऑफ क्रेव का मेंबर। तो फ्रेंड्स, अगर आप खाना एंजॉय करते हो तो प्लीज इसके चैनल को चेकआउट करना, उसके लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे क्या करना है परी? लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके ग्रे कर देना। और हम आते हैं एवरी वेडनेसडे एंड संडे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हमें कुछ मिलेगा खाने के लिए? कुछ पैसा।